नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजटिंग की और कैसे आप बजट बना के अपनी फाइनेंशियल जर्नी को शुरू कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। तो पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। हमने पहले दो वीडियोस में ये सीखा था कि फाइनेंशियल नॉलेज की इम्पोर्टेंस क्या है एंड ये हमारे लिए जरूरी क्यों है। अगर आपने हमारी ये दो वीडियोस अभी तक नहीं देखी तो आप इस बैनर पर क्लिक करके इन वीडियोस को देख सकते हैं, या फिर इन वीडियोस की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दी है, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बजटिंग क्या होता है। आप में से कई लोगों को याद होगा कि बचपन में जब हमारे पेरेंट्स की मंथ के स्टार्ट में सैलरी आती थी, हम सब लोग बैठकर प्लान करना शुरू करते थे कि इस पैसे को हमें खर्च कहाँ करना है। तो इसी को हम बजटिंग बोलते हैं। ये है आपके इनकम और एक्सपेंसेस का एक रफ प्लान। ये एक ऐसा प्लान है जिसे आप अपने खर्चों को मॉनिटर और प्लान कर सकते हो। अब बहुत सारे लोग मुझे ये पूछेंगे कि बजट क्यों जरूरी होता है। तो इसका सिंपल जवाब ये है कि समझो आपकी सैलरी महीने के पहले दिन आती है और आप बिना बजट या ट्रैकिंग के पैसा खर्च करना शुरू करते हो, तो कुछ दिनों बाद क्या होगा कि आप नोटिस करेंगे कि जब आप अपने मनपसंद खाना या सामान खरीदने जाते हो तो आपको एक मैसेज आता है कि आपके अकाउंट में बैलेंस जीरो हो गया है। तो फिर आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे। इसी कारण से एक पर्सनल बजट होना बहुत जरूरी होता है। अब बात करते हैं बजट बनाने की, यानी मेकिंग अ बजट। तो अब ये तो समझ में आ गया है कि बजट जरूरी क्यों होता है, बट ये भी देखते हैं कि आप अपना बजट कैसे बना सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको अपने सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इकट्ठा करना है और अपने बैंक स्टेटमेंट, अपने बिल्स और छोटे मोटे रिसीट्स, जिनसे पता चलेगा कि आप अपने सबसे ज्यादा पैसा कहाँ खर्च करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है आपकी मंथली इनकम कैलकुलेट करना। इसमें आपको अपनी सैलरी, अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं, या आपके प्रॉफिट्स अगर आप एक बिजनेस ओनर है, या कोई एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जैसे कि कोई साइड जॉब या रेंट से इनकम आनी, उसको इंक्लूड करना होगा। ये स्टेप करने से आपको ये पता चलेगा कि आप हर महीने कितना खर्च कर रहे हैं और कहां पर। अब बारी आती है अपने मंथली एक्सपेंसेस की लिस्ट बनाने की, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आखिर आपका पैसा जा कहां रहा है। इसमें आपको अपने फिक्स्ड एक्सपेंसेस जैसे कि घर का रेंट, लाइट बिल एक्सेट्रा, और आपके वेरिएबल एक्सपेंसेस जैसे कि महीने में एक बार कई बार जाके खाना खाना या फिर एक कहीं मूवी देखना, इन एक्सपेंसेस को इंक्लूड करना होगा। अब बात करते हैं बजट क्रिएशन के बारे में। तो चलिए अब बजट बनाना शुरू करते हैं। बजट बनाने के लिए आपको बस ये एक रूल याद रखना है, 50-30-20 रूल, जिसमें आप अपने इनकम का 50% पैसा अपनी जरूरतों को पूरे करने में खर्च कर देते हैं, 30% पैसा आप अपने एक्स्ट्रा खर्चों पर, यानी कि मूवी देखना या फिर खाना खाना, उन एक्टिविटीज पे यूज कर सकते हैं, और बाकी का 20% पैसा आप अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की तरफ यूटिलाइज कर सकते हैं। तो समझ लीजिए कि आपकी मंथली इनकम है 50,000 रुपीज। तो हमारे 50-30-20 रूल के हिसाब से 50% पैसा यानी कि 25,000 रुपए अपनी जरूरतों की तरफ एलोकेट कर रहे हैं, 30% यानी 15,000 आप अपने एक्स्ट्रा एक्टिविटीज यानी मूवी खाना उन चीजों पे एलोकेट कर रहे हैं, एंड बचे 20% आप 10,000 रुपीज की सेविंग और 10,000 रुपीज की इन्वेस्टिंग जैसे खर्चों में कर सकते हैं। ऐसा करने से आप अपने पैसों को बचा कर भी यूज कर सकते हैं और अपने फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। एक बात को आप जरूर याद रखिए कि ये सिर्फ एक तरीका है अपना बजट बिल्ड करने का। आप अपने बजट को अपने खर्चों के हिसाब से और फ्लेक्सिबल भी बना सकते हैं, और हाँ, अपना बजट बनाने के बाद उसे ट्रैक करना भी शुरू कर दीजिए। इसके लिए अगर आप एक टेक्स सेवी इंसान हैं, तो आप एक्सेल शीट में अपना बजट बना सकते हैं एंड वहां से ट्रैकिंग कर सकते हैं। अगर आपको एक्सेल यूज करना नहीं आता तो फिर आप एक नोटबुक और पेन यूज करके अपना बजट वहां पर लिख कर भी ट्रैक कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपको एक्सेल सीखना है और अपना बजट वहां मेंटेन करना है, तो आप हमारा कोर्स परचेस करके बेसिक एक्सेल सीख सकते हैं इस बैनर पे क्लिक करके। अब कुछ फाइनल टिप्स डिस्कस करते हैं। तो इस वीडियो को एंड करने से पहले कुछ टिप्स हैं जिसको आपको ध्यान में रखना होगा। बजट आप ऐसा सेट करो जो कि थोड़ा रियलिस्टिक हो सके, ताकि आपको उसे अचीव कर पाने में आसानी हो। अपनी इनकम से ज्यादा का बजट बना के कुछ अचीव नहीं होने वाला। एक इमरजेंसी फंड बनाने की भी कोशिश करें। ये अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस के लिए लाइफ सेवर हो सकता है। और आखिर में आप अपने खर्चों पर ध्यान दें, जरूरत और चाहतों के बीच फर्क करें।
ये आपको अपने खर्चों को प्रायोरिटाइज करने में मदद करेगा। और ये थी बजटिंग 101। याद रखिए, ये एक सफर है। प्रैक्टिस करने के साथ आप अपने पैसों को मैनेज करने में बेहतर होते जाओगे। अगर ये वीडियो आपके लिए मददगार रहा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिनके लिए ये बेनिफिशियल हो सकता है। और अपने खुद के बजटिंग के सफर के बारे में हमारे कमेंट सेक्शन में हमें बताना ना भूलें। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।